हाय गाइस, दिस इज़ आयुष पांडव और आपको जैसे पता है मेरा चैनल का नाम है यू लाइक। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा आपको डॉग्स के रिगार्डिंग जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जो और कहीं नहीं मिलती वो मैं शायद दे पाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ और आपके डॉग का लाइफ थोड़ी और अच्छे से आपके साथ स्पेंड करवा सकूँ। तो आज का मेन जो टॉपिक है वो हम सीधा उसी बात पर आ जाते हैं, मेरा कुत्ता भौंक नहीं रहा है या आपका कुत्ता कम एग्रेसिव है और इसी के साथ भी फैमिलियर हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने कुत्ते को, अपने घर के डॉग को एग्रेसिव कर सकते हैं। वो कोई स्ट्रेंजर आएगा तो उस पर भौंकेगा भी और वो एक अच्छा वॉच डॉग बन सकता है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है आपका डॉग वॉच डॉग नहीं बन पा रहा है वो है आपकी डॉग की अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। देखिए, मेरी बात कई लोगों को कड़वी लगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट एक जो रियलिटी है वो है कि डॉग वॉच डॉग ही होना चाहिए। उसका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो गार्ड करने के लिए ही बना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उसको अपने डॉग को 24 घंटे अपने रूम के अंदर ही रखेंगे और उसे बाहर नहीं निकालेंगे, कभी गार्डन में नहीं रखेंगे, उसे 24 घंटे एक कम्फर्ट एनवायरनमेंट के अंदर रखना चाहेंगे। तो उसमें आपके डॉग की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप उसको इतना कंफर्टेबल बना रहे हैं, वो हमेशा उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहेगा तो वो क्यों किसी ड्यूटी को निभाना चाहेगा। तो आप जहाँ चाहेंगे कोई स्ट्रेंजर आ रहा है और वो उस पर बात करे, वो नहीं करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसकी ड्यूटी क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा कि आपकी ड्यूटी क्या है तो आप उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सर और मैम, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी करनी है आपको। आपको मेक श्योर देखना है कि अगर आपने अपने डॉग को गार्ड डॉग बनाना है, वो दूसरे बाग करे, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देना पड़ेगा जिसमें वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो पहला पॉइंट यही है, उसको कंफर्ट जोन से बाहर लाएं। चाहे तो आप, जैसे वो अगर दिन में रेस्ट कर रहा है तो उसे थोड़ा अपने रूम से अलग ही रखें जहाँ कोई आना जाना ना हो सके। उसका रूम अगर उसका थोड़ा डार्क होगा, जहाँ मतलब थोड़ी लाइट वगैरह नहीं जलती या थोड़ा डार्कनेस रहेगी, तो वहाँ एग्रेशन उसके अंदर ज़्यादा आएगा। उससे क्या होगा, जब भी आपके यहाँ कोई स्ट्रेंजर आएगा तो उसकी जो रिएक्ट करने की एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप उसे खाना दें और अगर आपका डॉग भौंक नहीं रहा है और बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, तो मेक श्योर उसे पहले लीश कर लीजिए और उसके से थोड़ी सी डिस्टेंस पर उसका खाना रख दीजिए और वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। आपको बुरा लगेगा, मॉरल वैल्यूज़ आपकी हर्ट होंगे, बट मान के चलिए ऐसा आप एक हफ्ते 10 दिन तक करेंगे तो वो शुरू के 5 या 6 दिन में आपको रिज़ल्ट देगा, वो बाग करना लग जाएगा। जैसे वो थोड़ा बाग करे और भौंकना शुरू करे तो आप उसका खाना उसको प्रोवाइड कर दीजिए, उसका थोड़ा टाइम स्लॉट बढ़ाते जाइए, जैसे पहले 10 मिनट या फिर 15 मिनट अगर वो भौंक नहीं रहा है, ये टेक्निक डेफिनेटली काम करेगी। तीसरी चीज़ है, किसी भी स्ट्रेंजर अगर आपको कोई घर में आता है तो उससे उसको फैमिली ना करवाइए, क्योंकि उसको ट्रस्ट हो जाएगा किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, तो उस पर बाहर के अटैक नहीं करेगा। उसे पता ही नहीं होगा मेरे इंट्रूडर कौन आ रहा है मेरे एरिया में और किससे मेरी और मेरी फैमिली को खतरा है। पांचवा पॉइंट कि ये मान के दिमाग में बिल्कुल ना चलिए, कभी भी ये एक दिमाग में हुआ ना बना के रखिए कि कोई भी एक डॉग ब्रीड गार्ड डॉग नहीं हो सकती। मैंने आपको जैसे अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जैसे मेरे पास लैब्राडोर है, वो भी बहुत एग्रेसिव है, इवन रॉटवाइलर से भी ज़्यादा एग्रेसिव है। डिपेंड करता है उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर आपने उसको बेसिक गार्ड कमांड सिखाया है तो वो गार्ड डॉग बन के ही रहेगा। ठीक है, आप उसे थोड़ा टाइम अच्छा दीजिए, अपने घर में अपने रूम में रखिए, पर 24 घंटे उसे रूम में रखेंगे तो उसकी आदत बिगड़ेगी और एक बिगड़ा हुआ बच्चा घर में एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आपको भी वो इरीटेट करने लग जाएगा। आप कहीं ऑफिस जाएंगे या बाहर जाएंगे पार्टी में तो वो कहेगा मुझे भी साथ लेके चलिए। तो गाइस, थोड़े इस बात पे सोचें मेरे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको अच्छे लगे और आप अगर चाहते हैं कि मैं और अच्छी वीडियो आए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शायद मैं किसी डॉग ओनर के काम आ सकूं और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं और भी अच्छा कंटेंट लेता आऊँगा जो किसी और चैनल पे या कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे हो। मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं किसी तरह डॉग ओनर्स की और नए डॉग ओनर्स की हेल्प कर सकूँ और शायद मैं भी थोड़ा बहुत इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू।